इसे हम कॉलर पे लगाएंगे, पर क्लियर आवाज़ आएगी, ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलना पड़ेगा। माइक वगैरह मैं अटैच कर रहा हूँ, खैर से टैनी आ गई है। हल ओ भाई हेलो, और नीचे उतरो। 7 दिन तक हमारे पैसे हमारे वॉलेट में वापस आ जाएंगे। लव यू हो गया दराज वालों को। क्या मसला है टैनी? टैनी को भूख लगी है, हनेरी आ गई है, वो छापर उड़ रहे हैं हवा के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। खुश आमदीद है आपका एक नए व्लॉग के अंदर। चेक कर सकते हो भाई साहब, हफ्ते में 3रा व्लॉग मेरा आ रहा है। पहले तो बड़ी मुश्किल से हफ्ते में एक व्लॉग बड़ी मुश्किल से आता था। आप में से काफ़ी लोग कहते हैं भाई साहब डेली रूटीन डेली व्लॉग अपलोड किया करो, तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ना आप आहिस्ता आहिस्ता डेली व्लॉगिंग पे आएँ। तो अभी वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने ना पिछली वीडियो में भी बताया था, मुझे व्लॉग के दौरान ना ज़्यादा ऊँचा बोलना पड़ता है, फिर आवाज़ क्लियर जाती है, क्योंकि आईफोन नहीं ना है, समझ रहे हो। तो मैं बाहर भी जाता हूँ ना, अगर व्लॉग बनाता हूँ रश में तो शोर काफ़ी ज़्यादा आता है, काफ़ी ज़्यादा नॉइसी वीडियो होती है। एक बंदे का कमेंट भी मुझे आया था कि भाई कॉलर माइक लेके आओ, तो कॉलर माइक मैंने ऑर्डर किया था, अभी मुझे रिसीव हो गया है। चेक कर सकते हो मैं अभी छत पे ही हूँ, तो अभी नीचे चल के मैं आपको कॉलर माइक दिखाता हूँ जो अभी ना ऑनलाइन मैंने मंगवाया है। ये हमारा पड़ा है माइक, इसे ना थोड़ी सी रोशनी में ले जाते हैं, रोशनी में इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने ना दराज से ऑर्डर किया था माइक, अभी जल्दी से मैं इसे खोल के आपको दिखाता हूँ। खैर ये हमारा माइक निकला है, अभी इसे खोल लेते हैं जल्दी से। अनबॉक्सिंग हमारी इस प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर हो रही है, तो इस चीज़ को ज़रा इग्नोर करना। खैर चेक कर सकते हो हमारा निकला ये प्रोडक्ट अंदर से, इसे निकाल के देखते हैं अंदर से क्या आइटम निकलती है इसके अंदर से। वाह जी वाह, पैकिंग तो चेक कर सकते हो इनकी बड़ी लेवल की है। देखते हैं इसके अंदर और क्या। ये तो मेरे ख्याल से ये है ना आईफोन के लिए इन्होंने दिया है साथ कन्वर्टर, उसके बाद एक ये मोबाइल के नीचे लगेगा चार्जिंग वाली साइड पे, ये वैसे ही रखा हुआ गत्ता, और ये है असल चीज़। इसे हम कॉलर पे लगाएंगे, पर क्लियर आवाज़ आएगी, ज़्यादा ऊँचा नहीं बोलना पड़ेगा। अभी जल्दी से ना माइक को मैं मोबाइल के साथ सेटअप कर लूँ, मोबाइल के साथ अटैच करके फिर मैं आपको इसका रिजल्ट चेक करवाता हूँ कि कितनी आवाज़ मेरी चेंज होती है इसके साथ। माइक वगैरह मैं अटैच कर रहा हूँ, खैर से टैनी आ गई है, सारी चीज़ों की ना चेकअप कर रही है क्या क्या चीज़ें नहीं आई हैं। हल ओ भाई हेलो, और नीचे उतरो। वो सारा ना जांच पड़ताल कर रही है कि क्या क्या चीज़ें हैं लेके आया, सारी तलाशी कर रही है। टैनी आ जाओ नीचे। वे अजो जी इधर बैठ जाओ, ऊपर नहीं चढ़ना। अच्छा माइक अभी मेरा सेट नहीं हुआ, टैनी ने चीज़ें बिखेरना शुरू कर दी हैं। टैनी को ज़रा किसी और ध्यान लगाते हैं। टैनी ये लो पकड़ लो पकड़ लो, बस ठीक है, ये उतनी देर उससे खेलते रहे, मैं ज़रा माइक सेट कर लूँ। Many hours later. यार इस माइक को अटैच करने की मैंने बड़ी कोशिश की है, YouTube से भी देखा है इसके बारे में ना काफ़ी कैसे कनेक्ट वगैरह करना है। सिंपल ऑडियो के साथ तो ये ठीक चलता है, लेकिन जब वीडियो के साथ इसे रिकॉर्ड करें ना तो वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं होती। चेक करो, 2 घंटों से मैं लगा हूँ, अभी शाम होने वाली है, और वो दीवार पे टैनी भी बैठी है। टैनी अभी तो शाम हो गई है, सुबह जाके ना दराज के ऑफिस में इसे वापस रिटर्न कराएंगे। ठीक है। The next day. यार आज है जुमातुल मुबारक का दिन, अभी मैं टाइम आपको दिखाता हूँ, 14 Pro Max पे टाइम दिखाता हूँ आप। 1:35 हो रहे हैं, 2 बजे पूरे जुमा होना है, अभी सबसे पहले तो नहा धो के जुमे की तैयारी करता हूँ, जुमे के बाद फिर दराज के ऑफिस जाएंगे पार्सल वापस करवाने के लिए ना। अभी मेरे पीछे टैनी भी आई थी, पता नहीं कहीं ना कहीं तो छुपी है, इधर नहीं है। टैनी इधर छुपी बैठी है, क्या मसला टैनी? हेलो कर दो, हेलो तो करो, हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पकड़ लो टैनी को, पकड़ लो। Few moments later. लेट हो गया हूँ भाई साहब जुमे के लिए। तो
A few inches later. जो मैं कि नमाज पढ़ रही है, घर आते ही एक गिलास लस्सी का पीने लगा हूँ। मजेदार। खैर अभी चलते हैं सीधा द्रास के ऑफिस में इस पार्सल को वापस करवाने के लिए। हमारे तो किसी काम आया नहीं, कैमरे के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग करता ही नहीं। वैसे 7 दिन का टाइम होता है, कुछ चीज़ खराब हो तो रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन अभी जाके देखते हैं वापस करते हैं या नहीं। और वापसी पे घर आते हुए टैनी की फीड भी ले आएंगे, वो टैनी नीचे बैठी है। द्रास के ऑफिस भाई साहब पहुंच गए हूँ, अभी चलते हैं सीधा अंदर ही। अस्सलाम वालेकुम, रिटर्न करवाना है जी, व्लॉग के लिए, यूट्यूब व्लॉग के लिए, यूट्यूब व्लॉग के लिए जी। नहीं, सीधा आपके पास ही आए हैं। इशू क्या है इसमें? ये मोबाइल के साथ ना, कैमरे के साथ वर्क नहीं कर रहा। द्रास ऐप आपको ओपन करनी पड़ेगी, आपकी रिटर्न फाइल आपके चलें कर देते। यार मैंने तो सोचा था कोई बहाने शाने डालेंगे कि वापस नहीं होनी ये वो, लेकिन उन्होंने तो बड़े आराम से रख लिए। 7 दिन तक हमारे पैसे हमारे वॉलेट में वापस आ जाएंगे। लव यू हो गया द्रास वालों को। वाह जी वाह। अभी रास्ते से ना टैनी की फीड लेनी है, और घर वालों ने कहा था कि आते वक्त गोश्त भी लेते हैं ना, अभी गोश्त लेना और फीड लेनी है, फिर चलते हैं घर की तरफ। अभी भाई साहब आ गए हूँ गोश्त वाली दुकान पे। आज का रेट चल रहा है 540 रुपये किलो गोश्त। वीडियो यूट्यूब वास्ते, यूट्यूब वास्ते वीडियो। क्यों जी? गोश्त भाई ले लिया हमने, पेट शॉप पे भाई साहब आ गए हैं। शॉपर में डाल ओके बोला था, थैंक यू। टैनी के लिए फीड भी मिल गई है। क्या मसला टैनी? टैनी को भूख लगी है, इसे ये फीड डालते हैं अभी, इसे ये फीड डालते हैं अभी। कैमरा बंद करके ज़रा टैनी को खाना डाल लूँ पहले। टैनी को फीड डाल दी है, मज़े से खा रही है। खा ले टैनी, खा ले टैनी। अभी कुछ ही देर पहले बड़ी सख्त धूप थी, बड़ी गर्मी थी, लेकिन अभी मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। हनेरी आ गया, वो छापर उड़ रहे हैं वहाँ के अंदर। खैर अभी इसी व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, ये व्लॉग थोड़ा छोटा ही था। खैर मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।